अमरीका से बराबरी की सतह पर दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान का कैपिटल हिल में पाकिस्तान कॉकस से खिताब। कहा, अमरीका की जंग पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, हजारों पाकिस्तानियों ने इस जंग में कुर्बानियाँ दी, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अफगान अमन अमल के लिए तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त दिफाई पोजिशन में है, फिर डू मोर का मुतालबा कैसा? वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीकर अमरीकी नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी और अरकान कांग्रेस से मुलाकात। नैन्सी पेलोसी का खत्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म की खिदमात पर खराज तहसीन। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका का मकसद खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। अफगानिस्तान के पुरअमन सियासी हल के लिए सब मुत्तफिक हैं, फौज समेत तमाम इदारे हमारे साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेंटागन का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ ने इस्तकबाल किया। अमरीकी कायम मकाम वजीर दिफा से मुलाकात। दो तरफा तआवुन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी मामलात और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी को बहुत अहमियत देता है। अमरीका से बाहमी इज्जत एतमाद और मुश्तरका इकदार की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका के साथ नए दौर का अच्छा आगाज हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा तवक्को से बढ़कर था, सोच से ज्यादा इस्तकबाल हुआ और इज्जत मिली। दयानतदारी से पाकिस्तान ने अपना मौकफ पेश कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की समा से खसूसी गुफ्तगू। कहा, कश्मीर की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की कामयाबियों से हाउस ऑफ शरीफ के अरमानों पर रौस पड़ गई। शहबाज शरीफ का बयान कप्तान के खिलाफ हसद का इजहार है। अमेरिका में पाकिस्तानियों का तारीख का सबसे बड़ा जलसा देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। मुआवने खसूसी इतलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। लिखा, वज़ीर आज़म कश्मीरी अवाम के वकील बनकर उभरे हैं, कश्मीरियों के कायद खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। कराची वाले करें थोड़ा इंतजार, बारिश का सिस्टम अगले हफ्ते शहर में दाखिल होगा। सिंध भर में बादल जमकर बरसेंगे, बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। मेट्रोलॉजिस्ट जवाद मेमन की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू।